जय हिंद। एक बार फिर से बैक पेन की सीरीज में एक नए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास है और उम्मीद है कि जो पहला वीडियो आपने देखा होगा उससे काफ़ी आपने कुछ सीखा होगा और धीरे धीरे जो ये सीरीज़ आप देखते जाएंगे और इसका जो अभ्यास करेंगे तो हम पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके बैक पेन को रिलीफ करने में ये सारे जितने भी अभ्यास हैं आपकी मदद करेंगे। तो आएंगे आपका समय ज़्यादा न लेते हुए दूसरी वीडियो के माध्यम से एक जो दूसरा अभ्यास है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। कभी भी जब भी आपको फिर बता दें, हमेशा बताते रहेंगे, जब भी आप लेटें तो हल्का सा सपोर्ट लेते हुए लेटें, विशेष तौर पे वो जिनको बैक पेन है और नहीं है तो वो भी इस प्रकार से कभी भी लेटें और उठें। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने दोनों पैरों के पंजों को दाहिने बाएं करके अपने कमर की जो मांसपेशी है उसके ऊपर और स्पाइन के ऊपर खिंचाव तनाव को महसूस किया। ध्यान हमने हमेशा उस भाग पे रखना है जिस भाग पे हमारे खिंचाव तनाव आ रहा है, पीड़ा हो रही है, और वहाँ पे हमको रुकना है। रुक कर कुछ देर हमको 5 से 10 सेकंड अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार वहाँ पे ब्रीथिंग को लेना है और छोड़ना है, फिर हमको अभ्यास में सामान्य रूप से आ जाना है। इसके बाद में जो दो अभ्यास थे उसके बाद दो अभ्यास को करने के बाद में इसमें हम चलेंगे सीधा तीसरे अभ्यास में। देखिएगा किस प्रकार से दोनों हाथों को एक सीधाई में इस प्रकार से रखेंगे, कंधों की एक सीधाई में, और सबसे पहले हम दाहिने पैर को ठीक ऊपर 90 डिग्री तक लेकर जाएंगे। 90 डिग्री तक जब पैर को लेके जाएं, पैर के घुटना जितना आपका सीधा हो सकता सीधा रखें और ठीक सांस छोड़ते हुए, एक बार ध्यान दीजिएगा, ब्रीथिंग का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहता है। जब आपने पैर को उठाया, यहाँ से सांस भरते हुए पैर को उठाया और सांस छोड़ते हुए आप दाहिने पैर को बाएं हाथ की तरफ, जितना पैर का पंजा आपके हाथ के हथेली के नज़दीक आ जाए उतना बढ़िया, लेकिन जब आप दाहिने पैर को बाएं हाथ की तरफ लेकर आएं तो कंधा आपका उठना नहीं चाहिए, कंधा आपका जमीन की तरफ रहना चाहिए, दाहिना कंधा, तो तब आपके कमर के नीचे लंबर रीजन पे पूरा खींचा हुआ आएगा। और यहाँ पे आप कुछ देर सामान्य सांसों को लेते हुए ध्यान अपना जिस भाग पे खिंचाव है, पीड़ा है, उस पर लगा कर रखें और फिर धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से देखें, दूसरे पैर से बाएं पैर को श्वास भरते हुए पूरा 90 डिग्री ऊपर लेके गए, घुटना जितना सीधा हो सकता आपका, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है उतना करें, ज़रूरी नहीं है, और इसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर उठाया पैर को, श्वास छोड़ते हुए फिर दाहिने हाथ की तरफ आप पैर को लेके गए। गर्दन देखिएगा, गर्दन हमेशा अपोजिट जाएगी, ठीक है। अब जो भी आपके लंबर के नीचे, अब देखिएगा, पहले तो ये देखिए ध्यान से कि जब हमारा दाहिना पैर और बायां पैर जो है दाहिने हाथ की तरफ गया है तो यहाँ पे खिंचा हुआ है, लेकिन हमने कमर को नहीं उठाया। अगर हमने कंधों को और ये कमर के ऊपर वाले हिस्से को उठा दिया तो इसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा, इसीलिए दोनों तरफ जब भी पैर जाएंगे तो आपके दोनों शोल्डर जो हैं जमीन को टच करके रखें जितना हो सकता है। जिधर पैर गया उसके अपोजिट आपकी गर्दन चली जाएगी। इस प्रकार से कुछ देर सामान्य सांसों के साथ वहाँ पर रुके रहें, ठहराव देते हुए होल्डिंग, और फिर सांस भरते हुए ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को एक पैर से कम 5 बार, अगर दाहिने पैर से आपने 5 बार किया है तो फिर बाएं पैर से भी उसको 5 बार दोहराएं। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बराबर खिंचाव तनाव आना चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा अभ्यास है इसमें हाथ इसी प्रकार से आपके रहेंगे, लेकिन इसमें दाहिने पैर को फोल्ड करें, बाएं घुटने के बगल में रखें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा खिंचाव तनाव ज़्यादा देना है, शरीर के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आप इस प्रकार से दाहिने पैर को बाएं घुटने के अंदर की तरफ रख लें, इधर बाहर की तरफ रख लें, और इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे। बाएं हाथ को उठाएं, दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखें, श्वास भरें, पहले नाक से श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को जमीन की तरफ दबाते हुए
देखिए जमीन की तरफ दबाएंगे जितना जा सकता उतना, हमारा अगर जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी है तो कोई बात नहीं, आपका जितना शरीर की क्षमता उतना कीजिएगा, जमीन की तरफ दबाएंगे और गर्दन हमारी फिर दाहिनी तरफ चली जाएगी और ये खिंचाव। तो अब आपका जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आपकी कमर के ऊपर खिंचाव बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अपने कमर के बैक जहाँ पे आपको खिंचाव है, महसूस हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर दाहिने पैर को सीधा कर लें। ठीक पहले पैर की भांति ही दूसरे पैर को भी फोल्ड करें हल्का सा। अगर आपको खिंचाव ज़्यादा लग रहा है तो आप पैर को यहीं पे रखें घुटने के बगल में, और खिंचाव अगर कम लग रहा है, ज़्यादा लेना है खिंचाव को, तो पैर को घुटने के बाहर की तरफ रखें। दाहिने हाथ को बाएं पैर के घुटने पर रखें, पहले नासिका से सांस भर लें, अब सांस छोड़ते हुए घुटने को जमीन से दबाएं, पूरा दाहिनी तरफ गर्दन हमारी बाईं तरफ चली जाएगी, और जैसे ही जो खिंचाव है पूरा ध्यान वहाँ पर केंद्रित करें। 5 से 10 सेकंड के लिए वहाँ पर रुकें सांसों को सामान्य रखते हुए, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे घुटने के ऊपर करें पैर को सीधा। ये दो अभ्यास थे आपके, और इन दोनों अभ्यासों को आप अगर 5-5 बार 10-10 बार दोहराते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपके मांसपेशियां हैं उनमें सुदृढ़पन आएगा, उनमें खिंचाव तनाव जो है जिस भी कारण उसमें पेन हो रहा है आपके लंबर रीजन पे, आपकी जो वर्टिब्राएं हैं, जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, तो वो भी इस क्रिया से सही हो जाएगा। फिर उठने का वही तरीका, दाहिने बाएं करवट लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों की मदद से उठकर बैठेंगे, और ये दो अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से बनाए हैं। अगले फिर अभ्यास कुछ और हैं जो अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।